सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सो गाइस, कि आप लोग भी चाहते हैं कि आपको कोई भी व्यक्ति कॉल करे तो सामने वाले व्यक्ति को गाना सुनाई दे, यानी कि कई सारे लोग सॉन्ग बोलते हैं तो कई सारे लोग गाना बोलते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी सिम पर जो भी गाना लगाएंगे वो गाना सामने वाले व्यक्ति को सुनाई देगा। तो देखिए, इसके लिए आपकी कोई सी भी सिम हो सकती है, लेकिन सिर्फ आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इसके बाद आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएगी और इसके बाद आप यहाँ पर एक अच्छी जानकारी प्राप्त करके कभी भी अपनी सिम पर कोई सी भी गाना को चेंज कर सकते हैं और लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, तो इसीलिए आपको ये जानकारी पूरी समझनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपके आइडिया सिम है, जियो है, वोडा है, कोई सी भी है, तो उसमें आपका ये तरीका काम करेगा, चाहे आप बीएसएनएल क्यों ना यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें ये तरीका काम करेगा। तो इसके लिए हम आपको जो तरीका बताते हैं, इसके प्रॉपर दो तरीका बताएंगे। कई सारे लोग कीपैड का इस्तेमाल करते हैं तो कई सारे लोग यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो सभी में ये तरीका काम करने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आज़ाद कुशवाहा। तो देखिए गाइस, अगर आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग यहाँ पर हमें भी फॉलो कर लीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है आज़ाद कुशवाहा 524, तो यहाँ पर आप लोग हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक एयरटेल की सिम से, ठीक है। तो अगर आप लोग एयरटेल की सिम यूज करते हैं एक एंड्रॉयड फ़ोन में, तो उसके लिए आप यहाँ पर विंक म्यूजिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है मैं बताता हूँ। इसके लिए आप प्ले स्टोर पर आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे विंक WI, ठीक है, सॉरी ऊपर आ चुका है सर्च में, तो विंक म्यूजिक पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेंगे। तो ये आपके लिए पहला तरीका है। जैसे आप ओपन करेंगे अपने नंबर से रजिस्टर कर लेंगे और इसके बाद जो भी सॉन्ग आपको लगाना है उस सॉन्ग पर क्लिक करके आप हेलो ट्यून का ऑप्शन दिखता है आपको यहाँ पर, तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको स्विच टू एयरटेल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका नंबर शो होगा क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी एयरटेल की सिम मौजूद नहीं है इस डिवाइस में, तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे एयरटेल के यहाँ पर सिम हमारे पास आ जाती है तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो उसके बाद हमारा एयरटेल की सिम पर ये सॉन्ग लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा एयरटेल के एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। अगर आप लोग कीपैड का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उसके डायलर पैड में आप जाएंगे और डायलर पैड में जाने के बाद वहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक नंबर पर कॉल करना होगा जो कि वहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको कॉल करना है। आपका वहाँ पर रिंगटोन लगाने का ऑप्शन आएगा, उसको आप कंप्यूटर की आवाज़ को कमांड करेंगे तो आपका वहाँ पर कॉल टोन लग जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम VI की सिम को लेते हैं, यानी कि वोडाफोन आइडिया। तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के सिम इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए देखिए आपको दो तरीके मिलते हैं कॉल टोन लगाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर फ्री भी है और पैसे वाली भी है। अगर आप लोग पैसे देकर लगाना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, अगर आप फ्री लगाना चाहते हैं तो उससे भी अच्छी बात है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग यहाँ पर VI सिम का जो एप्लीकेशन होता है इसको तो सभी लोग यूज करते हैं, तो आप लोग इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप कॉल टोन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लोग होम में आएंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कॉल टोन मिल जाएंगे जो कि आप लैंग्वेज के साथ में अपनी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप अगर पैसा मांगता है तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे। अगर आप लोग इस तरह से क्लिक करेंगे, आप सेट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पैसा नहीं मांगेगा और जिस भी मतलब जोन से भी भाषा में लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम गुजराती ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको राइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुजराती भाषा सिलेक्ट हो चुकी है, अब ये हमारी जो है गुजराती भाषा में हमारी टून आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं और इस तरह से आप वॉइस लाइट करेंगे और यहाँ पर आपको ये फ्री नहीं मिल रही, पैसों वाली मिल रही है। यहाँ पर कभी कभी अगर आप लोग अनलिमिटेड पैक यूज करते हैं तो आपको फ्री भी मिल जाती है, ठीक है। तो इनमें से हम देखते हैं कि हमारे पास कोई फ्री टून अवेलेबल है या फिर नहीं। सॉरी, प्लीज़ ट्राई अगेन वंस, ठीक है। तो हम दोबारा से ट्राई करते हैं, सॉरी, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आपको यही तरीका मिल जाएगा, ठीक है। और इससे अलावा आपको कोई भी टोल टून लगानी है तो आप VI कॉल टून एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसको कट करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है और यहाँ पर हम कोई टून लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमसे एक चार्ज लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम होम में आएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने मैनुअल टून आएंगे तो हम इनको यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि इसमें भी आप अपनी भाषा को अपने इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने नाम की भी टून मंगा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज़ाद लिखते हैं
और यहाँ पर हमारा सामने आज़ाद लिख चुका है, और यहाँ पर सिंपली हम सर्च कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्रिएट एंड न्यू नेम, ठीक है, और यहाँ पर आपको इस तरह की यहाँ पर जो भी आपके नाम की टून होगी वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। आप इनको चाहें तो इनको भी लगा सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 मिल जाएगा, 5 2 5 4 3 2 1 कॉल करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा जब भी आपकी कॉल टून लगेगी। अदरवाइज़ इसके लिए एक तरीका और है, अगर आप लोग यहाँ पर तीनों सिम मैंने आपको बता दी जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं, तो आप जियो सावन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो भी टून लगानी है उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए सॉरी 3 लाइन पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर, ठीक है, सॉरी गाइस ये हमें दूसरे पेज पर लग गया, तो यहाँ पर ऐड चल रहा है तो इसको हमें स्किप करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए जो इसकी जियो कॉलर ट्यून है वो यहाँ पर नहीं लगेगी क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं, इस वाले को हम लेते हैं, और यहाँ पर हम 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको देखिए इसके ऊपर भी हमारी जो जियो ट्यून है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम मोर पर चलते हैं और यहाँ पर वो सॉन्ग आ जाएंगे जो हमारे में अवेलेबल होंगे। तो चलिए देखिए ये अवेलेबल है, तो इसको हम चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको तीनों सिम के तरीके बता दिए, अगर आप लोग BSNL का यूज करते हैं तो इसके लिए देखिए आप लोग यहाँ पर गाना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ये हमारे पास लास्ट तरीका है। गाना एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अपना सॉन्ग पसंद करेंगे, और उसके बाद आप लोग 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आप आएँगे सेट ए कॉलर ट्यून में, सॉरी सेट ए कॉलर ट्यून थोड़ा सा नीच पूरा गायब हो गया। ठीक है, तो हम दूसरा सॉन्ग लेते हैं, इसमें नहीं है तो हम ये सॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम इसके 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे, तो यहाँ से जो इसका कॉलर ट्यून का ऑप्शन था वो रिमूव कर दिया गया मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले आता था लेकिन अब यहाँ पर रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई दूसरा सॉन्ग हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कई सारे सॉन्ग में यहाँ पर जो इसका रिंगटोन का ऑप्शन होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वो पैसे के बिना आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्री मिलते हैं, इस वजह से आप लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। हम इस सॉन्ग को लेते हैं, तो देखिए हम इसका बंद करते हैं और यहाँ पर हम 3 डॉट पे चलते हैं, तो देखिए इसमें सेट है कॉलर ट्यून आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर अपने जियो के नंबर पर जो भी सिम है उसके ऊपर कॉलर ट्यून लगा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारी लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हमारे से तो आप लोग हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम का यूजर नेम है आज़ाद कुशवाहा 524, शायद मैंने पहले बताया भी आपको है, और यहाँ पर आप हमसे आकर जुड़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर आपका जो भी क्वेश्चन है आप नीचे में कॉमेंट भी कर दीजिएगा, आपकी हेल्प हम जरूर करेंगे। तो गाइस चलिए हम मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।